हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट जीके का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 22वां भाग रहेगा। इसके पहले हमने इसके 21 भाग कर चुके हैं और ये 21 भाग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से आपको ल्यूसेंट करवा रही हूँ। ये 50,000 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम, भारत का, प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। जब ये तैयार हो जाएंगे तो आपको ये मैं ऐसे हैंड रिटन इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूँगी। बाकी अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ल्यूसेंट का अलग बनाया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसकी PDF मिलती रहेगी। आज का पहला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, तो पॉन्टियस ने चढ़ाया था, जो कि रोमन गवर्नर थे। तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। याद रखिएगा, किसने चढ़ाया, रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने कब चढ़ाया, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उन्होंने चढ़ाया था 33 ईस्वी में। कब? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा होता है, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है क्रॉस। ईसाई जो लोग होते हैं वो किस में विश्वास रखते हैं, तो वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं, तीन चीज़ों में, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। जो चर्च बनते हैं, चर्चों के निर्माण की शैली को क्या बोला जाता है, तो ये फ्रांस में इसका निर्माण स्टार्ट होना हुआ था और ये गोथिक शैली कहलाती है। इसको ये भी याद रखिएगा कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। अब हम पारसी धर्म से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ल्यूसेंट, मैंने पहले जब मैं वीडियो बनाई तभी भी मैंने बताया था, जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, तो ये सीरीज़ मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन ये सीरीज़ बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत देखी जाती है। मेरे पास व्हाट्सअप पे फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आए थे बिहार से, जब मैंने ये सीरीज़ बंद कर दी थी, इसलिए मैं ये सीरीज़ दोबारा से चालू कर दी हूँ और अब ये कंटिन्यू रहेगी जब तक इसकी पूरी लेसन कवर नहीं हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो लाऊं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, तो वो जरथुष्ट थे। पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस में है, पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन है जैनदा अवेस्ता में। किस में है, जैनदा अवेस्ता में है। पारसी धर्म के अनुयायी ईश्वर को क्या मानते हैं, अहोर। पारसी धर्म के अनुयायी ईश्वर को क्या मानते हैं, अहोर मानते हैं। क्या मानते हैं, अहोर। नेक्स्ट है, अग्नि पूजक किस धर्म के अनुयायी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रोजगार निर्माण में भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस के लिए रूप में आता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। अग्नि पूजक किस धर्म के अनुयायी को कहा जाता है, पारसी धर्म के को कहा जाता है। मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, मगध का प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदत्त। बृहदत्त ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, ग्रीवराज को बनाया था, जो कि राजगृह में थी। जरासंध किसका पुत्र था, तो बृहदत्त, जो कि मगध के प्राचीन वंश का संस्थापक था, उसी का पुत्र था जरासंध। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, 544 ईसा पूर्व में बैठा। जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा, 544 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप की भी मिल जाएगी, वो दोनों जगहों पे आपको इसका और इसके प्रीवियस वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दी, आप वहाँ जाके इसके पुराने वीडियो देख सकते हैं। पहला राजा कौन है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले किसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो ये दिया है बिंबिसार ने। किसने दिया, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंग को मगध में किस राजा को हराकर मिलाया, मतलब बिंबिसार ने क्या है, जो अंग राज्य था उसको मगध में मिला लिया था। ये 16 जनपद आपने सुना होगा, उनमें से अंग एक प्रमुख था और मगध भी था। अंग को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने अंग को मगध में कैसे मिलाया, अंग के किस राजा को हराया, तो वो थे ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा कर अंग को मगध में मिलाया। याद रखिएगा, बिंबिसार ने किस को हरा कर मगध को मगध में मिलाया अंग को, तो ब्रह्मदत्त को हरा कर मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया, 52 वर्ष तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया।
नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती राजा चंद्रप्रगोद की सेवा में किसे भेजा? देखो, महात्मा बुद्ध की सेवा में और अवंती राजा चंद्रप्रगोद की सेवा में, उनको पांडु रोग हो गया था। चंद्रप्रगोद को, जो कि अवंती के राजा थे, और जो जीवक था उनका राजवैद्य था बिंबिसार ने, तो इन दोनों की ही सेवा में बिंबिसार ने, महात्मा बुद्ध की सेवा में और अवंती के राजा चंद्रप्रगोद की सेवा में जीवक को भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने किस किस से? तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को, पहले के राजा क्या करते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ाइयाँ तो करते ही करते थे, और मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेते थे, किसी बड़े राज्य की रानी से विवाह कर लेते थे और वो उनका दोस्त बन जाता था और वो उस क्षेत्र तक उनका विस्तार हो जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो इसी प्रकार बिंबिसार ने भी अपना साम्राज्य बढ़ाया। इन्होंने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। मद्र देश जो है अभी वर्तमान का पंजाब कहलाता है, जो पंजाब है उसको मद्र देश बोलते थे पुराने में। तो इन रानियों से उन्होंने विवाह किया। किस किस से? कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। मध्य देश याद रखिएगा क्या है? पंजाब। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। कौन? अजातशत्रु। और ये अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। याद रखिएगा, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और बिंबिसार कब बैठा था? 544 ईस्वी। ये बिंबिसार का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर्यक वंश की स्थापना यहीं से होती है, तो आपको ये सन याद रखना है। तो 544 से 493 तक ये रहा था, और फिर 493 में अजातशत्रु बन गया था। तो आपको ये मगध का, मैंने आज दो राजाओं के बारे में बताया, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।